गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू बीबीएन लाइव क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू डूइंग एक्सरसाइज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फिफ्थ. आज जो हम करने जा रहे हैं वो फिफ्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है चैप्टर वन व्हाट्स द नंबर इज, जो नेम है उसका वो क्या है नंबर्स. तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है और थर्ड है, उन तीनों को कम्प्लीट करने जा रहे हैं. तो आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो करने में आसानी हो. नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको जो नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में राइट करना है. वर्ड्स मीन्स उनकी मीनिंग आपको राइट करनी है कि वो नंबर्स कौन सा है. फर्स्ट अगर आपको काउंटिंग अच्छे से आती है तब तो कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे. अब अगर काउंटिंग में आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप किस तरीके से करेंगे. तब आपको प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है इंडियन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नंबर्स को रीड करना है. किस तरह से करना है, सबसे पहले आप डिजिट्स देखिए. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स है आपके पास. तो पहले से भी चार्ट के अकॉर्डिंग 1, 10, 100, 1000 और 10000, ये 5 डिजिट्स आपने राइट कर लिए. अब आप स्टार्ट कैसे करते हैं इनको, बैक साइड से आप राइट करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 6, 5, 0, 4 and 2 ये नंबर्स हैं आपके पास. आपने पहले से जो चार्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग को अरेंज कर लिया. वैन कब करते हैं आप, जब आपको रीडिंग में इश्यू आ रहा है कोई. तो यहाँ पे आप रीड करते हैं तो किस तरह से करते हैं, 1, 10 और 100 ये कैटेगरी क्या है, साथ में होती है. इनमें आप क्या करते हैं, कोमा का यूज नहीं करते हैं. जब भी आप कोई नंबर राइट करते हैं 3 डिजिट्स का तो उसमें कोमा का यूज नहीं होता है. जैसे मैंने आप टाइप किया 723, 905, तो इसमें क्या करते हैं, कोमा का यूज नहीं करते हैं. वहीं इसके बाद जो कैटेगरी आती है उससे पहले यहाँ पे किसका यूज हो जाता है आपके पास, कोमा का. इसलिए जो बात वाली कैटेगरी है 1000 और 10000 इनको आप साथ में रीड करते हैं. तो अब आपके पास जो कैटेगरी 1000 वाली, वहाँ पे जो डिजिट्स है आपके पास कितना है, 24, और ये किसमें है 1000 में. तो यहाँ पे जो नंबर्स है उसको आप रीड कैसे करेंगे, 24000. और आगे वाले जैसे आप रीड करते हैं सिंपल, वैसे ही जीरो का कुछ भी मीनिंग नहीं होता. और उसके बाद वाले क्या है, 56. तो आपका जो वर्ड्स का मीनिंग है वो क्या है, यहाँ पे नंबर्स का 24056. आई होप क्लियर हो गया आपका. तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 24056. सेम इसी वजह से आपका जो नेक्स्ट वाला है आप इसको देखिए, वंस यहाँ पे 9 आपके पास, वंस टेंस 100, और यहाँ पे आपका क्या लग जाता है, कोमा 1000 10000. तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो क्या हो गया, 40000. उसके बाद में यहाँ पे क्या आपके पास 00, जिसको आप कुछ भी रीड नहीं करते, और आगे क्या है 9. तो अब जो नंबर है आपके पास वो क्या है, 40009. यहाँ पे आगे आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपका जो नंबर आया वो क्या है, 40009. आई होप ये क्लियर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेम इसी वे से नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड से उसको सॉल्व करते हैं इजी वे से. राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स बड़ा करना, हिंदी में आप बोलते हैं विस्तारित. तो आप किस तरीके से आप कर सकते हैं, वही आपको इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पैलेस वैल्यू चाहिए कि कौन से पैलेस पे आपका कौन सा डिजिट आया हुआ है. तो यहाँ पे आप देखिए 2, 7, 3, 2, 1 इस तरह से डिजिट राइट किया हुआ है. इनका पैलेस क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10000 इस तरीके से राइट किया हुआ है. तो अब देखिए जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 10000. यानी 1 को आप 10000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आया वो कितना है, 10000. तो 1 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो कितना हो गया, 10000. 2 की राइट करते हैं तो 1, 10, 100, 1000, 2000 पहले पे है तो 2,
मल्टीप्लाई बाई 1000 तो आपका रिलीज वैल्यू कितना है 2000। सेम 3 क्या आप निकालते हैं तो 1, 10, 100 3 मल्टीप्लाई बाई 100 वी गेट 300। इस तरह से आपके पास नंबर आ गया 1, 10 तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 7, 10 जा 70 और 2 जो है 2, 1 जा 2। तो इसी तरह से अब आपकी जो बैलेंस वैल्यू है इनकी जो आई है एक्सपेंडेड फॉर्म वो आप राइट कर देंगे। फर्स्ट 1 की जो आई है 10,000, 2 की आपके पास आई है 2,000, 3 की आपके पास है 300, 7 की जो आपने मन में निकाली है अज्यूम की है वो है 70 और 2 तो आपने राइट कर दिया 2। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये चीज ध्यान में रखते हैं, जब भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करते हैं बीच में किसका साइन आता है, एडिशन का साइन आता है आपके पास। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो नेक्स्ट वाला और भी इजी है, उसमें मैं आपको शॉर्ट वे बताऊंगा किस तरीके से कि आपके आप देखिए आप 2 की आप सबसे पहले राइट करेंगे तो किस तरह से 1, 10, 100, 1000, 10,000 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 वी गेट 20,000। एक तो वही मेथड आप फॉलो करेंगे जो आपने इसमें किया। दूसरा शॉर्ट में आप किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 2 और 2 के आगे जितने भी डिजिट्स है देखिए 1, 2, 3, 4 डिजिट्स है तो 2 के आगे आप कितने जीरो पुट कर देंगे 4 times 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी आपकी जो वैल्यू आएगी वो 20,000 और उस तरीके से आप निकालेंगे तो भी 20,000 होगी आपके पास। नेक्स्ट 3 की आप निकालते हैं तो 1, 10, 100, 1000 3 into 1000, 3000 और ऐसे आप निकालेंगे तो 3 के आगे आप देखिए कितने डिजिट्स है 3 है तो यहाँ पे आपके पास कितने जीरो जाएंगे 3। नेक्स्ट आपके पास 4 और 4 के आगे पास 2 डिजिट्स हैं तो 400 और ऐसे भी 4 की वैल्यू क्या होगी 1, 10, 100, 4 into 100, 400। नेक्स्ट आपके पास 3 की वैल्यू 1, 10, 3 into 10, 30 और 3 के आगे एक ही नंबर इसलिए यहाँ पर क्या होगा 30 और लास्ट में आपके पास क्या है 4 तो 4 वंस पे है तो 4 1 जा 4 और 4 के आगे कुछ भी नहीं डिजिट्स तो 4 का 4 आ गया आपके पास। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड व्हाट अबाउट दिस, वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में है लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पहले से करके दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए ये सेम ही आ रहा है आपके पास। अब आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे डिजिट्स दिए हुए थे उनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, अब एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पहले से ही राइट करके दिए, आपको उसको क्या करना है शॉर्ट में करना है, नंबर्स बताना है कि वो कौन सा नंबर है। तो आपका जो क्वेश्चन है राइट द इक्विवेलेंट नंबर, ये आपको इक्विवेलेंट नंबर्स दिए हुए हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में है, उनको आपको क्या बनाना है नंबर्स मिला के नंबर्स बनाना है। तो आप देखिए सबसे पहले वंस, वंस में आपको पता है जीरो राइट नहीं होता, जब आप वंस राइट करते हैं तो वंस में कोई भी नंबर जिसे आपने राइट किया हो यहाँ पे 2 तो वंस के आगे कुछ भी जीरो नहीं होता। टेंस में आपके पास कितने जीरो होते हैं 100 में आपके पास जो डिजिट्स होते हैं उनके आगे कितने जीरो होते हैं 2000 में आपके पास 3 और 10,000 में आपके पास 4। जब ये सारे नंबर कंप्लीट हो 1, 10, 100, 1000, 10,000 तो आप देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1, 10 और 1 सब कुछ कंप्लीट है। जब सब कुछ है कुछ भी नंबर मिसिंग नहीं है तो आपको क्या करना है फर्स्ट नंबर देन सेकंड 5 उसके बाद वापस थर्ड 7 नेक्स्ट आपके पास 7 और लास्ट में आपके पास 2 तो आपका जो नंबर्स आया वो क्या है 45,772 इसी का एक्सपेंडेड रूप आपको यहाँ पे राइट किया हुआ है। नेक्स्ट वाला करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000 तो देखो 10,000 भी हो गया 1000 भी हो गया आपके पास 1, 10, 100, 100 भी दिया हुआ है 1, 10 ये भी दिया और 1 ये भी दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे सबको आप वापिस राइट कर देंगे 6, 0, 0, 2, 6 तो अब जो आपका नंबर यहाँ पे गिवन है एक्सपेंडेड फॉर्म में वो कौन सा है 60,026। आई होप आपके तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है
उनको समझेंगे, उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे।